नमस्कार प्रिय साथियों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। समय पर एफआईआर पर कार्रवाई करने में चंबा पुलिस को पहला रैंक। एफआईआर और सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करने पर चंबा पुलिस को प्रदेश में नंबर वन रैंक मिला है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी ऑनलाइन रैंकिंग होती है। वहीं इसमें चंबा पुलिस ने बेहतर कार्य करते हुए लोगों को समय पर पुलिस सहायता पहुंचाने के साथ ऑनलाइन इसकी रिपोर्ट भी दर्ज की। इसके परिणाम स्वरूप चंबा पुलिस को पहला रैंक मिल पाया। पिछले साल चंबा पुलिस 13वें नंबर पर थी। हिमाचल की रैंकिंग में चंबा पुलिस पहले स्थान पर रही है, जबकि शिमला दूसरे, सोलन तीसरे, बद्दी चौथे, हमीरपुर पांचवें, लाहौल स्पीति छठे, ऊना सातवें, मंडी आठवें, सिरमौर नौवें, बिलासपुर दसवें, किन्नौर ग्यारहवें, कुल्लू बारहवें और कांगड़ा पुलिस 13वें स्थान पर रही है। बिना पोर्टर 21,146 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर लौटे 11 पर्वतारोही। पर्वतारोहण के इतिहास में पहली बार किसी दल ने 21,146 फीट ऊंची चोटी को बिना पोर्टरों की मदद से फतह किया है। हिमाचल और लद्दाख सीमा के बीच समुन्द्र तल से 6,105 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस अज्ञात चोटी को फतह करने वाली टीम का नेतृत्व मध्य प्रदेश के आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत सिंह ने किया। दल में देश के विभिन्न राज्यों के 11 पर्वतारोही शामिल रहे। वहीं 9 दिन के लंबे और जोखिम भरे अभियान को पूरा कर यह दल आज केलांग पहुंचा। दल ने 29 जुलाई को जिंगजिंगवार बेस कैंप से अभियान को शुरू किया था। HRTC की वोल्वो बसों के किराए में 30% तक छूट। HRTC की वोल्वो बसों में लोगों को ऑफ सीजन में किराए में 5-30% तक छूट मिलेगी। इससे दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाले लोग करीब सामान्य बसों के किराए के समान ही सफ़र कर सकते हैं। हालांकि यह किराया बस में सीटों के हिसाब से होगा। पहली 20 सीटों पर कोई छूट नहीं रहेगी। बीच में और पीछे वाली सीटों में अलग अलग छूट होगी। परिवहन निगम ने लोगों को राहत के लिए फ्लैक्सी फेयर योजना शुरू की है। इसमें 1 से लेकर 20 नंबर की सीट तक पहले वाला किराया लगेगा। कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने 2.5 घंटे थाने में किए कैद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर ने आज हमीरपुर में जोरदार धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। गांधी चौक पर नुक्कड़ सभा के बाद जुलूस के तौर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर करीब 35 मिनट सड़क पर चक्का जाम किया। इस दौरान इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। वहीं आज 11:40 पर सड़क पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस ने दोपहर 12:15 पर बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह सहित 8 IAS अगले साल होंगे रिटायर। पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह सहित 8 IAS अधिकारी वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त होंगे। 10 विभाग अध्यक्षों का सेवाकाल भी अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। वीरवार यानी पिछले कल कार्मिक विभाग की ओर से वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं सेवानिवृत्त होने वाले यह अधिकारी वर्तमान में वित्त, पशुपालन, आयुष, बागवानी, जल शक्ति, श्रम, युवा सेवाएँ एवं खेल, तकनीकी शिक्षा और पर्यटन विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर गिरा पेड़, 2 ट्रेनों को रोका। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में सपरून में कालका शिमला रेलवे ट्रैक पेड़ गिरने से अवरुद्ध हो गया है। इसके चलते शिमला से कालका जा रही 2 ट्रेनों को रोका गया है। ट्रैक पर पेड़ करीब शाम 5:50 पर गिरा है।
जिसे हटाने का कार्य चल रहा है। बरसात से जिले में जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे कई सड़कें बाधित हैं। फाइन आर्ट कॉलेज शिमला में प्रवेश के लिए ओडिशा दिल्ली से आए आवेदन। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र फाइन आर्ट्स कॉलेज में अन्य प्रदेशों से डिग्री कोर्स के लिए आवेदन बढ़ रहे हैं। इस बार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा और केरल के विद्यार्थियों ने भी पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। दोनों कोर्स की 20-20 सीटों के लिए क्रमशः 41 और 32 ऑनलाइन आवेदन आए हैं। वहीं आपको बता दें कि पहली बार कॉलेज में मेरिट आधार पर प्रवेश की व्यवस्था करनी पड़ रही है। 2015 में शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय वर्तमान में राजीव गांधी महाविद्यालय की धरातल मंजिल में चल रहा है। प्रदेश प्रभारी बोले, कांगड़ा के कई कांग्रेसी नेता भाजपा के संपर्क में। हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा कांगड़ा की सभी सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाजपा में उन्हीं नेताओं को लिया जाएगा जो बिना किसी प्रलोभन के शामिल होंगे। वहीं खन्ना ने कहा कि सत्ता का रास्ता कांगड़ा से गुजरता है और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का पूरा ध्यान कांगड़ा में है। भाजपा का संगठन पहले से काफ़ी मजबूत हुआ है और इसी संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा की वापसी होगी। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट उनके पास है और रिपोर्ट के आधार पर ही इस बार टिकटों का आवंटन होगा। लोक सेवा आयोग को इस हफ्ते मिलेगा नया अध्यक्ष। राज्य लोक सेवा आयोग को इस सप्ताह नया अध्यक्ष मिलेगा। 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर 6 अगस्त को वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार सेवानिवृत्त होंगे। आरएसएस और भाजपा से जुड़े कई शिक्षाविद अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। आयोग की वर्तमान में वरिष्ठतम और एकमात्र सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता को भी अध्यक्ष बनाने की अटकलें हैं। वहीं जयराम सरकार ने 22 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी कर पूर्व PCCF अजय कुमार को अध्यक्ष और बिजली बोर्ड के पूर्व प्रबंध निदेशक JP कार्टा को सदस्य नियुक्त किया था। शिमला में आक्रोश रैली, 27 संगठनों के हजारों किसान बागवानों ने किया सचिवालय का घेराव। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले आज राजधानी शिमला में प्रदेश भर से आए बागवानों ने आक्रोश रैली निकाली और सचिवालय का घेराव किया। हजारों की संख्या में शिमला पहुंचे किसान बागवानों ने नवबहार चौक से छोटा शिमला तक करीब 3 किलोमीटर पैदल मार्च किया। वहीं संयुक्त किसान मंच के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश के 27 किसान बागवान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुईं। वहीं इस दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। DGP संजय कुंडू ने सुबह 10:30 पर नवबहार और 1 बजे छोटा शिमला पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।